हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है सक्सेस टेक आपकी मंजिल। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा के 2446 पोस्ट के फाइनल मेरिट के बारे में, यानी फाइनल कट ऑफ जिस पे मेरिट बनेगा। 2446 पोस्ट के बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। पिछले साल से इस बार कट ऑफ अधिक चला गया है, ठीक ना। तो उसका डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे क्यों कट ऑफ अधिक गया है, क्या क्या कारण है कट ऑफ अधिक जाने का। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जो 15,000 प्लस, ठीक है, 15,000 प्लस फिजिकल के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसका एक्सपेक्टेड डेट है, डेट तो नहीं, एक्सपेक्टेड मंथ दिया है, मार्च या अप्रैल में आपको फिजिकल करा लेगा, तो उसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कितने नंबर के आप बीच में आ रहे हैं तो आपका फाइनल मेरिट बनेगा। यानी आप बिहार दरोगा 2446 पोस्ट में, आप बिहार दरोगा 2446 पोस्ट में आपका सीट एक पक्का है, उस पर मैं आज चर्चा करूँगा। पिछले साल का भी कितना कट ऑफ गया था, उन सब का ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम पिछले साल का कट ऑफ देखते हैं, पिछले साल कट ऑफ कितना गया था और फाइनल मेरिट में कट ऑफ कितना गया था। तो सबसे पहले देखिए, पिछले साल का मेंस एग्ज़ाम का आपका कट ऑफ गया था जनरल का 137.2, कितना गया था, 137.2 गया था कट ऑफ, यानी 137 मतलब हुआ 68.6 ना हुआ 68.6, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं, मेंस का कट ऑफ गया है, वही फाइनल कट ऑफ देखिए 136.2 गया है, यानी इसमें एक नंबर का अंतर है, लगभग एक नंबर, ठीक है, लगभग एक नंबर का अंतर है फाइनल मेरिट में। वही देखिए यहाँ पे बीसी में सेम चला गया कट ऑफ, ईबीसी में लगभग सेम, क्या लगभग क्या, सभी बराबर ही है, वही इसमें भी लगभग सेम है और इसमें भी एक नंबर का अंतर है। यानी देखिए, जो बच्चा पीईटी क्वालिफाई कर गया है, ठीक है, जो बच्चा 1717 पोस्ट में एडवर्टाइजमेंट मतलब 1717 में जो लड़का फिजिकल क्वालिफाई कर चुका है उसका रिजल्ट हुआ है, इसमें तो एक नंबर घट गया है, एक नंबर का अंतर है क्या बोलते हैं जनरल में, वही इसका सेम चला गया है, बीसी का, ईबीसी का सेम है, एससी का लगभग सेम है, एसटी का थोड़ा सा एक नंबर बड़ा है। यानी जो लड़का फिजिकल में पास हो गया तो उसका हो गया था, वही फीमेल में थोड़ा सा अंतर है। देखिए फीमेल में 14 नंबर लगभग यहाँ पे बढ़ा है, इसमें भी लगभग आपका 14 नंबर बढ़ा है बीसी में, ईबीसी में देखेंगे तो आप लगभग 10 नंबर बढ़ा है, और एसटी में देखेंगे आप तो 7 नंबर से 8 नंबर तक बढ़ा है। यानी देखिए जनरल में जो लड़का फिजिकल पास हुआ था उसका कट ऑफ मतलब मेरिट भी बन गया था, लेकिन वही फीमेल में थोड़ा सा वेरी हुआ था। इसका भी ये कारण था कि पिछले साल 6 मिनट का दौड़ था, 6 मिनट में रनिंग था, तो 6 मिनट का रनिंग बहुत टफ होता है, ठीक ना, 6 मिनट का रनिंग इतना आसान नहीं होता, तो 6 मिनट का रनिंग में बहुत सारे बच्चे रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इसलिए ये कटअप हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, पहले एक्साइज सब इंस्पेक्टर का भी कटअप देख लिया जाए पिछले साल का। देखिए मेंस एग्जाम का कटअप गया था 151, वही फाइनल मेरिट 153 बना था, ठीक है, 147 गया था आपका बीसी का, 149 पर कटअप गया था, मात्र एक दो नंबर का अंतर है, ठीक है, इसमें बहुत सीट कम था। एक्साइज सब इंस्पेक्टर में तो शायद 200 शायद 250 शायद सीट होगा, दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है, ठीक ना, बहुत कम सीट था, इसमें वैसा गया है, ठीक है। ईबीसी में देखिए 142 145 गया है, 133.4 133.6 एससी में, वही 132.6 152.4 आपका एसटी में गया है कटअप, यानी एक दो नंबर का यहाँ पे वेरी है, ठीक है, यानी डिफरेंस है एक दो नंबर का। इस ये इसलिए हुआ है कि यह 6 मिनट में आपका रनिंग था, इस ये सब में 6 मिनट का रनिंग था, लेकिन इस बार 6 से बढ़ाकर आयोग 6.5 मिनट कर दिया है, 6.5 मिनट 6.5 मिनट में आपको रनिंग है। तो देखिए इस बार 6.5 मिनट में रनिंग है तो थोड़ा सा वेरी होगा कटअप में, क्या होगा मैं आप आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस बार जनरल का कटअप 151.6 यानी 75.8% में चला गया है, 100 में 75.8 नंबर चला गया है, तो काफ़ी हाई कटअप चला गया है पिछले साल के भांति, ठीक ना। लेकिन हाई जाने के भी बहुत सारे कारण हैं जो कि मैं अभी बताया हूँ कि अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में अब मैं आपको फाइनल मेरिट बता रहा हूँ, ठीक है, एक ही मैं जनरल का बता दे रहा हूँ, फीमेल का और मेल का भी कितना जाएगा उसी से आप अनुमान लगा लीजिएगा। जिस भी भाई बंधु का जनरल में मैं बता रहा हूँ, मेल में इस कटअप से 2 या 3, मात्र 2 या 3, ठीक ना, ज़्यादा नहीं, कितना 2 या 3 नंबर ज़्यादा आ रहा है, ठीक ना, यानी परसेंटेज में 75 है तो 77 या 78 आ रहा है उसका, वो अगर फिजिकल निकाल लेगा तो उसका फाइनल मेरिट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना, ये 99% चांस है कि जो बंदा 75.8 यानी जनरल में यानी किसी भी कैटेगरी से अपने कैटेगरी के परसेंटेज से 2 या 3 नंबर ज़्यादा ला रहा है, ठीक ना, 2 या 3 नंबर मतलब मार्क्स में हो जाएगा, 2 का
दुगुना चार और तीन का दुगुना छः, यानी 142.8 किसी का कटअप गया है EWS में, तो इसमें आप 144 पॉइंट कटअप ले सकते हैं, 144 या 145, यानी 144 या 145 EWS में किसी का आ रहा है तो उसका फाइनल मेरिट बनेगा। वही जनरल में भी वही 154-155 जिसका आ रहा है उसका फाइनल मेरिट 55-56 बनेगा, ठीक ना? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वही फीमेल में देखिए, वही हम बात करते हैं फीमेल्स के, फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो देखिए फीमेल का कटअप 61.9 यानी 123.8 गया है, ठीक है, अपने अपने कैटेगरी का देख लीजिए। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि जिस भी बहन का कटअप इतना गया है उसका कटअप से 5 या 6 नंबर, ठीक है, ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ 5 या 6, ठीक ना, इससे ज़्यादा नहीं, 5 या 6 नंबर से ज़्यादा आ रहा है, ठीक ना, यानी परसेंटेज में, यानी इसको दोगुना यहाँ पर मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे ना, इतना मैं डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है, परसेंटेज में बता रहा हूँ, 5 या 6 नंबर से ज़्यादा है जिस भी बहन का आ रहा है उसका ये फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो गाइस यही था मेरा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी मेरिट का, और यही जाएगा, लगभग यही जाएगा, 99% चांस है कि यही जाएगा कट ऑफ, 99% मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 99.99% चांस है कि यही फाइनल मेरिट में आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अब 0.1% टॉलरेंस होता है, अब तो सबको मालूम है, थोड़ा मोड़ इधर उधर होगा, ठीक ना। तो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।